हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल, हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नीट में ओवरऑल 540 प्लस कैसे स्कोर करें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खाली बायो में ही आप 300 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं नीट में। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है। आपके खाली 4 महीने बचे हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दो भागों में हमने अभी जो है बायो को वो बांट दिया है। सबसे पहला है फैक्चुअल बायोलॉजी, पहले से ही बात करते हैं। इसमें जो फैक्चुअल बायोलॉजी में है, आपके 4 चैप्टर आते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, 3 चैप्टर हैं आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इवोल्यूशन है, और भी कई चैप्टर्स हैं गाइस। तो आपके जो टोटल चैप्टर हो जाते हैं, लास्ट चैप्टर आपका ह्यूमन वेलफेयर है, तो टोटल जो आपके चैप्टर हो जाते हैं वो 11.5 हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपनी बात को समराइज़ करता हूँ गाइस। तो जो 11.5 चैप्टर में से आपके जो पिछले 10 साल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे गए ना, वो देखे गए हैं आपके 28 क्वेश्चंस जो इन चैप्टर से आए ही आए हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्चुअल बायोलॉजी के जो ये क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से पढ़ के इनकी फैक्ट शीट बना लेनी है हर चैप्टर की। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक बार आर्टिकल भी पढ़ के बता देता हूँ। स्टूडेंट थिंक दैट दे विल लर्न फैक्ट इन दिस चैप्टर इन द एंड, इन रियलिटी नो टाइम रिमेन्स इन द एंड विद द प्रेशर ऑफ मोर डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। गाइस बिल्कुल सही बात है, लास्ट में आपको इतनी सारी आपकी डिफ़िकल्ट थिंग्स रह जाती है कि आप सोचते हैं कि मैं पहले उनको कर लेता हूँ, तो इस चक्कर में आप ये फैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो मेथड टू प्रिपेयर चैप्टर इन फैक्चुअल बायोलॉजी है वो है, रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी अर्ली इन योर प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर फैक्ट शीट। जैसे आपने टॉप 50 फैक्ट्स बना लिए टिश्यू चैप्टर के, अब उनको आप अपने रूम में लगा दीजिए। जैसे पिन दिस फैक्ट शीट इन योर स्टडी रूम एंड गो थ्रू दैम अगेन एंड अगेन। जैसे आपने किसी चैप्टर के बन जैसे आपने टिश्यू चैप्टर के टॉप 50 फैक्ट्स इन टिश्यू चैप्टर बनाए, और फिर उसके बाद आपने अपने रूम पे उसकी शीट पिन कर लिए सबको, और रोज़ उनसे आप गो थ्रू हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। आप आपके उस जहन में एक तरह से बस जाएगा, क्योंकि आप रोज़ उन्हें देख रहे हैं, आपने अपने रूम में वो लगा रखा है। तो फैक्चुअल बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 28 क्वेश्चन है, तो ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है उन्हें। कम सिलेबस है, 11.5 ही चैप्टर हैं इसमें। तो जो मेन आपको मेहनत करनी है वो है आपकी कंसेप्चुअल बायोलॉजी में। मैं बता दूँ आगे, पार्ट 2 हमने उसी को बनाया है। जैसे कि कंसेप्चुअल बायोलॉजी में पहले बता दूँ क्या क्या आता है, बायो मॉलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायो टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो इनमें से बात करें तो टोटल चैप्टर हो जाते हैं 26.5, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के उसमें हम देखें तो इसमें से आते हैं 62 क्वेश्चंस। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसी में से आते हैं गाइस। तो इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, जैसे एज़ पर द आर्टिकल इसमें साफ लिखा हुआ है, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन प्रिपेयरिंग चैप्टर ऑफ कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। तो जो वो है दिस चैप्टर, मैं एज़ पर द आर्टिकल बता दूँ, दिस चैप्टर डू नॉट रिक्वायर मोर देन 1 रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। ये पढ़ने का तरीका है गाइस, आप एनसीईआरटी से पढ़िए और अलग अलग सोर्सेज से आप टेस्ट दीजिए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए। जैसा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू अटैम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। इससे क्या होगा गाइस, बार बार ऐसा करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उन क्वेश्चन को करने से, और आप कंसेप्चुअल बायोलॉजी भी ईजिली कर लोगे। ऑल्सो अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने बोला गाइज। तो गाइज जो कंसेप्चुअल बायोलॉजी है, आपने थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी है, उसके टेस्ट सीरीज देखनी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखनी है, उससे मेहनत करनी है। और फर्स्ट पार्ट में आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें मेहनत ही नहीं करें, उससे कम क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप जल्दी पहले निपटा लें, क्योंकि आप सोचोगे बाद में कर लूँगा तो बाद में आपके पास बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें बच जाती हैं करने के लिए, और भी दो सब केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, तो वो सब लास्ट में रह जाता है। तो इसलिए आप पहले इनको कर लें और फिर आप कंसेप्चुअल बायोलॉजी भी फिर ढंग से कर लेंगे, तो
तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे गाइस बायोलॉजी में। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।